हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे से होंगे एंड मज़े में होंगे। तो माइनक्राफ्ट के अंदर 5 ऐसे सीक्रेट सेटिंग्स के आपके बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि 99% को ऑफ कोर्स इसके बारे में नहीं होता है पता। बस माइनक्राफ्ट वो खेलते हैं बट वो लोग सेटिंग्स के बारे में जानकारी नहीं रखते, तो यही आपकी बड़ी गलती है। वैसे काफ़ी बंदे को ऑफ कोर्स इस सेटिंग्स के बारे में ऑलरेडी पता होगा, बट मैं आपको कुछ सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो प्लीज़ वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना, एंड कमेंट भी ऑफकोर्स ही आप लोग कर सकते हो। तो फटाफट सबसे जो पहली सेटिंग्स है उसको करने के लिए सिंपल सेटिंग वाले सेक्शन के अंदर आ जाना है, एंड फिर आपको आना वीडियो वाले सेक्शन के अंदर, एंड फिर नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करना एंड उसके यहाँ पर ही नहीं, यहाँ पर इन प्लेयर गेम टैग इसको अगर आप लोग बंद कर देते हो, ऑफ कोर्सली काफ़ी बंदे को ऑलरेडी पता होगा, बट जिसको नहीं पता उनके लिए अगर इन प्लेयर गेम को अगर आप बंद करते हो तो आपके प्लेयर जैसे कि आपके सर्वर में जितने भी बंदे होंगे उनके जो सर के ऊपर जो गेम टैग वगैरह दिखता है वो हाइड हो जाएगा। इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होता है। अगर आप कोई भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, कुछ भी करो, तो अपने प्लेयर का अगर गेम टैग आप हाइड करना चाहते हो तो ये वाला सेटिंग्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। तो इसके बाद प्लीज़ लाइक ज़रूर करो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेटिंग की ओर, एंड ये जो सेटिंग्स है इस सीक्रेट सेटिंग्स ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग्स हैं एंड ये आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। माना आप एक वर्ल्ड में अपने फ्रेंड को इनवाइट कर रहे, वो फ्रेंड क्या करा, आते ही TNT लगाया और TNT को ब्लास्ट करना शुरू कर दिया, बट मैं आपको एक ऐसा सेटिंग्स बताऊँगा कि TNT वर्क ही नहीं करेगा। ये मेरा TNT है, मैंने TNT को ऑफ कोर्सली ब्लास्ट कर दिया एंड ये फूटता भी एक सेकेंड, यार मेरे पता नहीं क्यों सर्वर इस गेम लैग और इसके फूटने में टाइम्स लग रहा है, बट फूट ऑफ कोर्सली फूट गया, ब्लास्ट हो गया। बट आप अगर ये सेटिंग्स कर दो, सिंपल से आपको आना गेम वाले सेक्शन के अंदर, एंड फिर अगर आप ये वाला सेटिंग्स कर दो TNT एक्सप्लोर इसको आपको ऑफ कर देना है। फिर उसके बाद क्या होगा कि जब भी आपको TNT एक्सप्लोर करोगे वो एक्सप्लोर तो वो होगा ही नहीं, ऑफ कोर्स ये देख सकते हो वो TNT एक्सप्लोर होगा ही नहीं। तो जब TNT एक्सप्लोर होगा ही नहीं तो TNT ब्लास्ट ऑफ कोर्स ये कोई कैसे कर सकता, तो ये आप अपने SMP सर्वर्स में ऑफ कोर्स लगा सकते हो, वो आपका SMP सर्वर काफ़ी ज़्यादा सेफली रहेगा। ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग सेटिंग्स है जो कि आपको ट्राई ज़रूर करना चाहिए। जो नेक्स्ट सेटिंग है वो क्या है ना कि जिसके मान के चलो मैं फार्मिंग कर रहा हूँ, देखो जिसके मान के चलो मैं यहाँ पे फार्मिंग कर रहा हूँ देख सकते हो, एंड देखो इसको ग्रो करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। देखो ये फार्मिंग ऑफ कोर्स ले रहे, इसको ग्रो करने में देख सकते हो काफ़ी लेट लग रहा है, बट मैं आपको एक ऐसा सेटिंग्स बताने वाला, कुछ नहीं करना आपको आना गेम वाले सेक्शन में, एंड फिर आपको सबसे नीचे आना है एंड ये जो रैंडम टिक स्पीड से एक है, अगर आप इसको 100 करते हो, फिर अगर आप इसको 100 करते हो फिर आप देखो कितना फास्टली ये ग्रो करने वाला है। ऐसे मैंने कुछ मिस्टेक किया, फटाफट इसको मैं 100 वापस करके ओके देख सकते हो काफ़ी जल्दी ये ग्रो कर रहा है, एंड लेट्स सी आप इसे देखोगे वैसे स्कैन वर्क नहीं कर रहा। भाई मैं फिर से चेक करके आता हूँ, नो ये वर्क कर रहा है, मतलब कि देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा ये फास्टली आपका कुछ भी अगर रुपोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो फार्मिंग वगैरह आप कर सकते हो। अगर उसको 100 कर देगा तो आप अपने हिसाब से 100, 25, 50 वगैरह आप अपने हिसाब से रख सकते हो, एंड काफ़ी ज़्यादा फास्टली आप कुछ भी फार्म वगैरह काम करेगा एंड वर्क भी करेगा, तो वो अपने हिसाब से आप उसको हैंडल ऑफ कोर्सली कर सकते हो। एंड गाइस ये जो सेटिंग्स है वो क्या है ना कि आप कहीं भी अगर दूर तक देखना चाहते हो स्पाई ग्लास की मदद से, तो देखो आप मैं यहाँ तक देख पा रहा हूँ वो भी साफ़ क्लियर नहीं दिख पा रहा है। एंड देखो एक सेटिंग्स आपको करना है, यहाँ पर आना गेम वाले में नहीं, फिर आपको जाना वीडियो वाले सेक्शन के अंदर स्कैन, ये वीडियो वाला सेक्शन, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे आपको कहीं फाइंड करना, वहाँ पर रहेगा स्पाई ग्लास मोड स्कैन। स्पाई ग्लास कहाँ पर है वो शायद से गेम में था स्कैन, पहले मैं फाइंड करता हूँ उसको, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टच के अंदर आ गए हैं, मैं काम भी नहीं कर रहा मेरा स्किन अभी, तो स्पाई ग्लास इसको आपको क्या करना है फुल 50 कर देना है। इससे क्या होगा गेम से आपका माना लैग होगा, बट देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा क्लियर एंड काफ़ी दूर तक आप लोग देख सकते हो, इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। अगर आप इसको जब यूज़ करोगे तब आपको समझ में आएगा, ऐसे आपको वीडियो में समझ में नहीं आने वाला। एंड गाइस लिटरली ये जो सेटिंग्स वो काफ़ी ज़्यादा कमाल का है एंड आपको ये हेल्पफुल भी है, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। क्या होता है ना कि आप कभी भी मरते हो, तो जिसके मैं मरा
तो ऑफकोर्स देखो एक्सचेंज में गेम लैग हो रहा है, पता नहीं क्यों। देखो मैं मारा ऑफकोर्स रिस्पॉन पॉइंट सेट किया, थोड़ा सा टाइम लगा मेरे को स्पॉन होने में, रिस्पॉन पॉइंट है ये सब वगैरह आया। बट एक ऐसा सेटिंग्स होता है जो अगर आप करते हो, ओके यार मैं मेरी वार्ड लग गई बेटा बिकॉज क्रीपर स्पॉन हो गया। बट कौन ना आपको ना एंड यहाँ पर आपको गेम वाले फोल्डर के अंदर सबसे पहले आपको जाना है, ये रहा गेम वाले फोल्डर, सबसे आपको नीचे स्क्रॉल डाउन कर फिर से क्रीपर स्पॉन हो गया, नहीं क्या कर रहा है, एंड फिर आपको करना है मार दे साले ना कुत्ते तेरा क्या प्रॉब्लम है, तो इस सबसे नीचे स्क्रॉल करना है, ओके एंड फिर क्या करना है आपको, यार ये मुआ दिया है मेरे को यार क्या बताऊँ। एंड फटाफट यार गेम वाले आने के बाद आपको थोड़ा सा करना है ऊपर, एंड इमिडिएटली देखो यहाँ पर है बट पता नहीं क्या ही हो रहा है, इमिडिएटली रिस्पॉन इसको इनेबल कर देना है। इसको इनेबल क्या होगा कि जैसे ही आप मरोगे ऑफकोर्स ही आस पास वार्डन भैया होंगे, तो मैं उनसे मौत की पहली स्कैन पहले मरता फिर इसके बाद आपको दिखा रहा हूँ क्रीपर का एक लेते यहाँ से, एंड जैसे ही मरूंगा मैं फटाक्स गन में स्पॉन हो जाऊंगा, इमिडिएटली स्पॉन इंस्टेंट के इंस्टेंट देखो तुरंत स्पॉन हो गया, मेरे को वो दबाने की जरूरत भी नहीं पड़ा। तो ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग फीचर्स है, वैसे आप प्लीज़ बताना कि कौन सा सेटिंग्स आपको नहीं था पता, एंड ये यूज़ करके आप काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव लास्ट अपने गेम प्ले में। बाकी सारी वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।